तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गोबरू अपने कुछ साथियों के साथ काफी तेजी में कहीं जा रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि आज से कुछ दिनों पहले एल्फ के बॉस ने मेरे सामने एक डील रखी जिसमें मुझे उन पर अटैक करने वाले इंसानों से निपटना है और इसके बदले वह मुझे काफी सारे ट्रेजर्स और कई सारे वाइन के बैरल देने वाला है। इसीलिए आज मैं अपने ग्रुप के सभी पावरफुल लोगों को अपने साथ लेकर उन सभी इंसानों से निपटने के लिए जा रहा हूँ। और अभी रात का समय हो रहा है और सुबह तक हम लोग इंसानों पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। अब गोबरू अपने साथियों के साथ वॉर जोन में पहुंचता है तो वह देखता है कि इंसानों ने अपने कैंप्स के चारों ओर एक पावरफुल बैरियर सेट कर रखा होता है और उस बैरियर के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं जा सकता है। अब यह सुनते ही गोबरू अपने सभी साथियों को बैरियर के चारों ओर उनके पोजीशन पर लगा देता है, जिसके बाद वह एक काफ़ी पावरफुल अटैक करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी वक्त गोबे अपनी पावर का यूज करते हुए उन इंसानों के वहां से भागने के रास्ते को बंद कर देती है, जिसके बाद होबसी और गोबमी अपने फायर और आइज मैजिक का यूज करते हुए उन सभी इंसानों पर अटैक करने लगती है। दूसरी ओर गोबरू अपनी जगह पर खड़ा होकर कई सारे स्केलेटन्स को समन करता है और अब वह उन सभी स्केलेटन्स को उन इंसानों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। पर जल्द ही वहां पर इंसान भी खुद को संभालते हुए गोबरू के सभी साथियों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह लोग काफ़ी तेजी में अटैक करते हुए गोबरू के द्वारा समन किए गए सभी स्केलेटन्स को मारने लगते हैं। तभी गोबरू देखता है तो उन इंसानों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीमेल नाइट होती है, जिसे देखते ही वह उसे अपनी ओर बुलाने के लिए वहां पर काफ़ी तेजी से दहाड़ता है। अब उस लेडी नाइट के सभी साथी देखते हैं तो गोबरू उस जगह पर सभी स्केलेटन्स को समन कर रहा होता है, जो देखते ही वह लेडी नाइट बोलती है, तुम सभी लोग इन स्केलेटन्स को मारते हुए मेरे लिए रास्ता बनाओ जिससे मैं उस बीस्ट के पास पहुंचकर उसे जान से मार सकूं। अब यह सुनते ही सभी मैजिशियन और प्रीस्ट सभी स्केलेटन्स को मारते हुए उसके आगे जाने का रास्ता बनाने लगते हैं। वहीं पर प्रीस्ट उस लेडी नाइट की पावर को वहां पर काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे वह अपने एक ही अटैक में गोबरू को निपटा सके। अब वह लेडी नाइट गोबरू के पास पहुंचकर उस पर एक काफी पावरफुल अटैक करने की कोशिश करती है, पर गोबरू बस उसे टच करके खुद से दूर फेंक देता है, जो देखते ही उस लेडी नाइट की एक साथी उसे वहां पर कैच करने की कोशिश करती है। यह देखते ही गोबरू उस लेडी नाइट और उसकी उस साथी से बोलता है, तुम दोनों मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी लगी तो तुम दोनों मेरे सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। यह सुनते ही उस लेडी नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए गोबरू को वहां पर सिंगल सिंगल फाइट के लिए चैलेंज करती है, जो सुनते ही गोबरू अपने जाइंट बेयर से नीचे उतर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों से बोलता है कि इन दोनों लड़कियों को छोड़कर तुम यहां पर मौजूद हर एक इंसान को मारकर उसे खा सकते हो। अब हमें गोबोकिची को दिखाया जाता है जो सभी सोल्जर्स को काफी बुरी तरीके से मारे चला जा रहा होता है। वहीं पर गोबमी अपनी ईवल आई टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने आ रहे सभी सोल्जर्स को चार्म कर देती है और अब वह उन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि आपस में ही फाइट करके मर जाओ और अब वह सभी सोल्जर्स एक दूसरे को ही वहां पर मारने लगते हैं। वहीं पर होबो साटो सभी सोल्जर्स के ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए वहां पर कई सारे वेपन्स बनाती है और अब वह उस ब्लड से और सोल्जर्स को भी मारकर उनसे भी कई सारे वेपन्स बनाते हुए लगातार इसी तरह सभी सोल्जर्स को मारे चली जा रही होती है। और अब थोड़े ही देर में गोबरू के सभी साथी बिना घायल हुए वहां पर सभी सोल्जर्स को मार गिराते हैं। दूसरी ओर वह लेडी नाइट गोबरू के ऊपर काफी पावरफुल अटैक्स कर रही होती है, पर गोबरू की बॉडी के ऊपर उसके किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी उस लेडी नाइट के साथ मौजूद एक विजार्ड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक लाइटनिंग ड्रैगन को बनाता है। अब उस लाइटनिंग ड्रैगन को देखकर होबोसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि यह मैजिकल अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस मैजिकल अटैक में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इससे टकराते ही गोबरू यहाँ पर मारा जाएगा। दूसरी ओर उस लाइटनिंग ड्रैगन को अपनी ओर आते हुए देखकर वह लेडी नाइट गोबरू को एक ही जगह पर स्टेबल करके रखने की कोशिश करती है, जिससे उसके साथ साथ गोबरू भी वहां पर उस अटैक से मारा जाए। तभी गोबरू उस लेडी नाइट को पकड़ते हुए वहां पर साइड कर देता है और अब वह अपने मैजिकल पावर का यूज करते हुए वहां पर पांच अलग अलग टाइप के मैजिकल बैरियर बनाता है। वहीं पर वह उस लेडी नाइट को देखते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लग रहा था तुम इतनी आसानी से मर सकती हो? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। और अब जैसे ही गोबरू के उन सभी बैरियर से वह लाइटनिंग ड्रैगन टकराता है, काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वह ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है और अब यह बैटल यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद गोबरू उस लेडी नाइट और उसकी एक साथी को वहां पर कैद कर लेता है और अब वह बाकी के बचे हुए सभी पावरफुल लोगों को मारकर वहां पर खा जाता है, जिससे उसे काफी खतरनाक टेक्निक्स मिलती है।
अब दिखाया जाता है कि उस बैटल में जीतने की खुशी में एल्फ विलेज का लीडर गोबरू को थैंक्स करने के लिए आया हुआ होता है, और अब वह सभी लोग वहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एल्फ विलेज का लीडर सभी लोगों को फ्री में वाइन देता है। और अब पार्टी को खत्म करने के बाद गोबरू उन दोनों लड़कियों से मिलने के लिए केव के अंदर आता है, जहां पर वह उन दोनों को एक स्लेव कॉलर पहना देता है, जिस वजह से स्टार्टिंग में उन लड़कियों को वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर फिर बाद में वह दोनों गोबरू की सभी बातें मानने लगती है। और अब 72वें दिन गोबरू उन सभी लड़कियों से वहां पर बात करके इंसानों के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, क्योंकि कल पार्टी के दौरान एल्फ विलेज के लीडर ने उसे बताया होता है कि इंसान लगातार उनके विलेज पर अटैक इसी तरह करते रहेंगे और यह बैटल अब तक खत्म नहीं हुई है। तो वह चाहता है कि गोबरू इस बैटल में उसकी मदद करे, जिसके बदले वह गोबरू को काफी पावरफुल वेपन्स देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ इसके बदले वह अपने विलेज में मौजूद सबसे महंगी वाइन भी गोबरू को गिफ्ट करेगा, जो सुनते ही गोबरू उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू ने एल्फ विलेज के लीडर के पास जो ब्रेसलेट भेजा होता है, वह ब्रेसलेट असल में एक रेडियो की तरह काम करता है, जिसकी मदद से अब गोबरू जब चाहे तब एल्फ विलेज के लीडर से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, और इससे एल्फ विलेज के अंदर मौजूद गद्दार एल्फ को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब दिखाया जाता है कि 73वें दिन गोबरू को पता चलता है कि नाइट की एक काफी बड़ी आर्मी एल्फ विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है, जिस बारे में पता चलते ही गोबरू अपने हॉबगॉब्लिंस की एक आर्मी को लेकर उन सभी पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। पर आर्मर नाइट नॉर्मल सोल्जर से ज्यादा पावरफुल होते हैं, साथ ही साथ उस आर्मी में टोटल 500 सोल्जर्स होते हैं, जिनमें से 100 काफी ज्यादा पावरफुल विजार्ड होते हैं, और उनका जर्नल भी एक अच्छा टैक्टिशियन होता है, इसीलिए गोबरू सीधा उन लोगों पर अटैक करके उनसे फाइट में नहीं जीत सकता है। तो अब वह उन सभी नाइट्स को ट्रैप में फंसाकर मारने का प्लान बनाता है, और अब वह दो घाटियों के बीच में उन नाइट्स की आर्मी के सामने कई सारे बड़े बड़े पेड़ों को काटकर गिरा देता है, जिससे वह नाइट वहां से बचकर भाग ना सके, जिसके बाद कई सारे हॉबगॉब्लिंस बड़े बड़े पत्थरों को उन घाटियों से नीचे लुढ़का देते हैं, जिनसे कुचलकर कई सारे नाइट्स मारे जाते हैं, और अब वहां पर 500 में से बस 300 नाइट ही जिंदा बचते हैं। पर बचे हुए नाइट्स के ऊपर गोबमी अपने लॉन्ग रेंज स्क्वाड के साथ अटैक करती है, साथ ही साथ गॉब्लिंस के द्वारा रास्ते में बनाए गए ट्रैप्स में भी फंसकर कई सारे नाइट्स मारे जाते हैं, और अब उस जगह पर 500 में से बस 100 नाइट ही जिंदा बचते हैं, जो सभी लोग आपस में एक साथ मिलकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर काफी तेजी में काम करने लगते हैं। और अब उन सभी नाइट्स के टैक्टिक्स की वजह से उन बड़े पत्थरों और एरोज का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, इसीलिए गोबरू अब गोबोकिची को उसके सभी साथियों के साथ फाइट करने के लिए आगे भेजता है, और अब गोबोकिची के सभी साथी वहां पर बचे हुए नाइट्स के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं पर गोबोकिची आगे बढ़कर उन नाइट्स के जर्नल को फाइट के लिए चैलेंज करता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वह नाइट अपना हेलमेट उतारते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे मॉन्स्टर्स भी इतनी खतरनाक प्लानिंग करके यहाँ पर हम पर अटैक कर सकते हैं, और यह बोलते हुए वह गोबोकिची के ऊपर अटैक करता है। अब उस पर्सन की टेक्निक को देखकर गोबोकिची को भी उससे फाइट करने में वहां पर मजा आने लगता है। वहीं पर बगल में खड़ा गोबरू यह सब कुछ देख रहा होता है, और अब वह गोबोकिची को ऑर्डर देता है कि उस जर्नल को मारना नहीं है बल्कि जिंदा ही पकड़ना है। इससे अब वहां पर गोबोकिची को उस जर्नल के साथ फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि अगर वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस जर्नल के ऊपर अटैक करता तो वह जर्नल मारा जा सकता था। पर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद गोबोकिची उस पर्सन को हरा देता है, और अब वह उसे अपने साथ उठाकर गोबरू के पास लेकर आता है। तभी गोबरू आगे बढ़कर वहां पर मौजूद कुछ पावरफुल नाइट्स को मारकर खा जाता है, जिससे उसे कई सारे पावरफुल नाइट्स टेक्निक भी मिल जाते हैं। अब गोबरू गोबोकिची के पास आता है, तो गोबोकिची उसे बताता है कि यह पर्सन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पास काफी पावरफुल टेक्निक्स मौजूद है। अब वहां पर गोबरू गोबोकिची के साथ बात कर ही रहा होता है कि तभी गोबमी उसके पीछे से आते हुए उससे बोलती है कि अब गोबरू ने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो गोबरू को अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तो फिर क्यों ना वह गोबमी के साथ अपने फैमिली को बसा ले और अपने बच्चों की प्लानिंग करे। अब हमें दिखाया जाता है कि 74वें दिन केव के अंदर गोबरू ने कई सारे नाइट्स को कैद करके रख रखा होता है। वहीं पर वह सभी नाइट आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर इन मॉन्स्टर्स की प्रॉब्लम क्या है, और यह मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा समझदार कैसे हो गए, और तो और आखिर इन्होंने अब तक हमें यहाँ पर कैद करके क्यों रख रखा है, अगर यह लोग चाहते तो हमें मार सकते थे।
क्या हम लोग इनका फ्यूचर में खाना बनने वाले हैं? तभी वहां पर बैठा हुआ उन सभी नाइट्स का हेड बोलता है, बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो, तुम अभी यहां पर जिंदा हो, बस तुम्हें यह देखकर खुश होना चाहिए, और फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बारे में सोचकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू उन नाइट्स के हेड के साथ एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर उनके सामने टेबल के ऊपर एक ट्रूथ क्रिस्टल रखा गया होता है, जिसके सामने कोई भी पर्सन झूठ नहीं बोल सकता है। तभी गोबरू उस पर्सन से पूछता है कि आखिर इंसान एल्फ विलेज के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। अब यह सुनते ही वह नाइट गोबरू को बताता है कि इस कहानी की शुरुआत स्टैनबर्ड किंगडम से हुई। एक दिन स्टैनबर्ड किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस अचानक से काफी ज्यादा बीमार हो गई और उनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। पर प्रिंसेस की शादी किलिका अम्पायर के प्रिंस के साथ पहले ही तय हो चुकी थी, और इसीलिए दोनों किंगडम्स के रिलेशन को बरकरार रखने के लिए किंग ने अपनी जनता को ऑर्डर दिया कि यहाँ पर कुछ भी करके प्रिंसेस की जान बचानी है, वरना फ्यूचर में इस वजह से उन सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनते ही सभी लोग प्रिंसेस की बीमारी का इलाज ढूंढने में लग गए, और फिर उन्हें एक दिन पता चला कि एल्फ विलेज के अंदर मौजूद एक सीक्रेट मेडिसिन का यूज करते हुए प्रिंसेस की जान बचाई जा सकती है। और फिर धीरे धीरे चारों ओर यह खबर फैल गई कि एल्फ विलेज के अंदर मौजूद वह मेडिसिन काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, और अगर कोई इंसान उसे एक बार पी ले तो वह इमॉर्टल बन सकता है, साथ ही साथ उसकी पावर भी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आसपास के किंगडम में मौजूद सभी लोग उस मेडिसिन को पाना चाहते हैं, और यहाँ पर इंसानों के पावर की भूख कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। इसीलिए जब तक वह मेडिसिन उन्हें नहीं मिल जाता तब तक वह लोग एल्फ विलेज के ऊपर अटैक करते ही रहेंगे। अब यह सुनते ही गोबरू खड़ा होते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी एक इंसान हुआ करता था और मेरे अंदर भी पावर की भूख थी। अब हमें दिखाया जाता है कि गोबे एक केव के अंदर खुदाई कर रही होती है, और तभी खुदाई करते हुए उस केव के अंदर से गर्म पानी निकलने लगता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं, और अब वह लोग वहां पर गोबरू को बुलाकर लेकर आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी ही देर में गोबरू ने उस जगह को पूरी तरीके से डेकोरेट कर दिया होता है, और अब वह सभी लोगों को बताता है कि हमने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज को ढूंढा है, हमने यहाँ पर हॉट स्प्रिंग को ढूंढ लिया है, और हॉट स्प्रिंग एक जादुई चीज होती है जिसके अंदर नहाने से तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी और तुम बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और अब वह सभी लोग उस हॉट स्प्रिंग के अंदर नहाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 75वें दिन एक जगह पर बैठा गोबरू बोल रहा होता है, अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, इंसानों के पास कई सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स होते हैं, जो अगर मैं अपने क्लैन के सभी लोगों को सिखा दूं तो इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वह अपने कैद के अंदर मौजूद सभी नाइट्स को निकालकर बाहर लाता है, और अब वह अपने क्लैन के सभी लोगों को उन नाइट के साथ ट्रेनिंग करवाता है, और अब वह सभी नाइट गोबरू की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गोबरू ने उन्हें भी स्लेव कॉलर पहना दिया होता है। दूसरी ओर उन नाइट्स का हेड एक जाइंट स्केलेटन के साथ फाइट कर रहा होता है, पर वह काफी आसानी से उस जाइंट स्केलेटन को हरा देता है, और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर कमजोर लोगों के साथ फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पावरफुल बनना है, तो गोबरू मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अब यह सुनते ही गोबरू उस नाइट की इंजरीज को हील करता है, जो देखकर वह नाइट काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी गोबरू बोलता है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरे एक ही अटैक में तुम यहाँ पर मर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर हील कर देता हूँ, जिससे तुम्हें मेरे अटैक से ज्यादा डैमेज ना हो। तभी वह नाइट गोबरू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर गोबरू उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसे एक पंच करता है, जिससे उस नाइट की हालत खराब हो जाती है। तभी गोबरू उस पर एक दूसरा अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है, जिससे घायल होकर वह पर्सन वहां पर बेहोश हो जाता है। अब गोबरू उसके पास जाते हुए उसकी इंजरीज को वहां पर हील करता है, जिससे वह पर्सन वहां पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी गोबोकिची आगे आते हुए बोलता है, गोबरू मैं भी इस पर्सन के साथ फाइट करना चाहता हूँ, और अब उस पर्सन और गोबोकिची की वहां पर फाइट होती है, जिसमें वह पर्सन गोबोकिची को बराबरी की टक्कर देता है, और अब उस पर्सन की पावर और हिम्मत को देखकर गोबरू उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, इसीलिए वह उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट करता है। अब खाने के दौरान वह पर्सन गोबरू को बताता है कि वह एक ऐसी जगह से आता है जहां पर डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ आपस में मिलकर रहते हैं, पर जब से उसने किंगडम की आर्मी को ज्वाइन किया उसने यह नोटिस किया कि इंसान डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं और उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। पर गोबरू के द्वारा बनाई गई यह जगह काफी ज्यादा अलग है, यहाँ पर डेमी ह्यूमंस इंसान और मॉन्स्टर तीनों एक साथ मिलकर आपस में खुशी खुशी रहते हैं।
इसीलिए अब वह यहाँ पर गोबरू के लिए काम करना चाहता है। यह सुनते ही गोबरू उसके गले में मौजूद स्लेव कॉलर को हटा देता है और बोलता है, आज से तुम कोई स्लेव या फिर प्रिजनर नहीं बल्कि मेरे फैमिली का हिस्सा हो। जिसके बाद वह उस लाल बालों वाली लड़की को उससे मिलवाता है और उससे बोलता है कि आज से यह पर्सन तुम्हारा मास्टर है और यह यहाँ पर तुम्हें फाइटिंग टेक्निक सिखाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि 77वें दिन गोबरू कुछ कैदियों को लेकर एल्फ विलेज में आया हुआ होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि यह लोग बहुत ही ज़्यादा कमजोर है और इन लोगों को रखने की मेरे पास जगह भी नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें आपको देना चाहता हूँ। जो सुनकर एल्फ विलेज का लीडर उन लोगों को अपने कैद में रखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गोबरू एल्फ विलेज के लीडर से उस सीक्रेट मेडिसिन के बारे में पूछता है। तभी एल्फ विलेज का लीडर बोलता है, जब पहली बार गोबरू उसे मिलने के लिए आया था तब उसने गोबरू को कई सारे वाइन्स के बैरल गिफ्ट किए थे। उसके साथ ही साथ उसने गोबरू को एक छोटी सी बॉटल भी दी थी, वह सीक्रेट मेडिसिन उसी बॉटल के अंदर है। जो सुनते ही गोबरू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर आपने इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ उस दिन मुझे क्यों दे दी थी। एल्फ विलेज का लीडर बोलता है, मुझे नहीं लग रहा था कि हम इतने दिनों तक इंसानों का सामना कर पाएंगे और मैं यह मेडिसिन इंसानों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए मैंने यह तुम्हें दे दिया। तो अब तुम उस बॉटल को अपने पास ही रख सकते हो। यह सुनते ही गोबरू उस बॉटल को अपने पास से बाहर निकालता है और उसे वहां पर पी जाता है। अब उस मेडिसिन को पीते ही गोबरू को उस जगह पर क्विक रीजनरेशन और मेडिसिन ब्लड टेक्निक मिलती है। अब मेडिसिन ब्लड टेक्निक को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अब वह उसे टेस्ट करने के लिए अपने पास से एक नाइफ निकालकर अपनी उंगली को हल्का सा काटकर अपने खून की एक बूंद वहां पर घायल एक इंसान को पिलाता है। अब उस खून की बूंद को पीते ही उस पर्सन की पूरी बॉडी वहां पर रिकवर हो जाती है और वह पर्सन एक सेकेंड के अंदर ही बिल्कुल पहले की तरह फिट एंड फाइन हो जाता है, जो देखकर गोबरू बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और अब वह बोलने लगता है, इस पर्सन ने यहाँ पर बस मेरे खून की एक ही बूंद पी है पर इसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो गई, साथ ही साथ इसकी पावर भी यहाँ पर 10% बढ़ चुकी है। तो मेरी यह टेक्निक सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।